हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेलर किस जगह कैसे गलती करते हैं और उन्हें लॉस होता चला जाता है और वो समझते हैं कि हमें फ्लिपकार्ट की वजह से या फिर अमेज़ॉन की वजह से या फिर स्नैपडील जो भी अदर मार्केट प्लेस है उनकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। लेकिन जेन्युइन सी कहाँ पे किस जगह पे गलती होती है सेलर से, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरी एक्सेल शीट बनी रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि मैं हर एक पेमेंट के अगेंस्ट अपडेट करता रहता हूँ, ऑर्डर के अगेंस्ट कि क्या पेमेंट आई है। तो इस पेमेंट में हमारी टीम ने देखा कि 700 का प्रोडक्ट था और कटना हमें जो डिडक्ट होना चाहिए था, कस्टमर रिटर्न है तो 8 रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन हो गया 1000 समथिंग। तो इस ऑर्डर आईडी को मैंने यहाँ से कैच किया, ये ऑर्डर आईडी हम यहाँ पर लिखते हैं। इस ऑर्डर आईडी को हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फ्लिपकार्ट के पैनल पर जाके पेमेंट ट्रांजेक्शन में चेक करा हमने। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमने इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे निकाली और ये डिटेल ये है, ऑर्डर ट्रांजैक्शन अमाउंट इतना आ रहा, 1000 समथिंग हमें डिडक्ट हुआ है। तो हमने इसको पूरे ट्रांजैक्शन व्यू करा, हिस्ट्री पूरी इसकी देखी कि कहाँ पे डिडक्ट हुआ है। तो ये देखिए टैक्सेस इसमें एक तो 150 रुपीज़ और मार्केट फीस जो है 857। तो यहाँ पर हमने इसको चेक किया, शिपिंग फीस में जाके देखा तो देखिए यहाँ पर आ रहा है चार्जेबल वेट टाइप वॉल्यूमेट्रिक चार्जेबल वेट स्लैब 17 to 18 kg, यानी कि 17 और 18 kg के अगेंस्ट जो स्लैब इनकी है वो स्लैब पे हमें अमाउंट लगा है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा वेट चार्जेबल वेट स्लैब टाइप में आ रहा है वॉल्यूमेट्रिक और डेड वेट। वॉल्यूमेट्रिक और डेड वेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए कोई भी पर्टिकुलर जैसे ये चीज़ है हमारी, ये बुक है, अगर इस बुक को हम वॉल्यूमेट्रिक नापेंगे तो यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इस तरीके से हम नापेंगे और डेड वेट देखेंगे इसका का पर्टिकुलर वेट कितने ग्राम्स है या केजी है। तो इसका जो भी ज़्यादा होगा कोरियर चार्जेस वो चार्ज करती हैं, वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा होगा तो वॉल्यूमेट्रिक, अगर डेड वेट ज़्यादा होगा तो डेड वेट। तो मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट था वो स्लीपर या गारमेंट होता है तो उसमें डेड वेट ही लगता है, वॉल्यूमेट्रिक नहीं आता है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक यहाँ पर चार्ज लगा है। जब मैंने इसको चेक किया लिस्टिंग में जाकर, अब मैंने इसको चेक किया पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी को, उसका एसकेयू कोड किस जगह गलती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एसकेयू निकल गया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट था मेरा और इसमें जो है मुझे चार्ज लगा, वो मुझे पता लग गया। अब मैं एडिट लिस्टिंग में यहाँ पे जाके देखता हूँ, मैंने यहाँ पे सब कुछ चेक करा कि मेरा पर्टिकुलर अपडेट है नहीं है। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस जो है 35, 45, 65 लोकल जोनल नेशनल जो मैंने मेंशन कर रखा था वो है, लेकिन गलती कहाँ हुई वो देखिए। अब गलती हुई इस जगह, जल्दबाजी में मैंने ये जो डिलीवरी चार्ज होता है, कोरियर शिपिंग चार्जेस होते हैं नेशनल लोकल जोनल, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 35, 45, 65 इस तरीके से। और वेट देखिए, वेट सही है 0.300 ग्राम्स, यानी कि ये गलती हुई है मेरी तरफ से, मैंने यहाँ पे गलत अपडेट कर दिया है। डेड वेट मेरा यहाँ पे वही है जो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, लेकिन यहाँ पे हाइट लेंथ और ब्रेथ मैंने गलत डाल दिए, उसकी वजह से मुझे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज लग गया है। तो जो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 500 ग्राम से मेरा कम है पैकेट, लगना मुझे 500 ग्राम्स का चार्जेस था लेकिन लग गया मुझे 17 किलो, क्योंकि मेरा यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट मेरा गलत मेंशन है। क्योंकि कोरियर वाले एज़ पर उनके जो पॉलिसी होती है कि डेड वेट का ज़्यादा लेंगे या फिर वॉल्यूमेट्रिक, जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर चार्ज करेंगे। तो मेरा इधर वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा बना तो उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज किया मुझसे। तो ये गलती मुझसे हुई है और इस गलती को हम इसी तरीके से कैच कर सकते हैं कि हर एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट पेमेंट अपडेट करें, हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ पे गलती हुई है सेलर से, लिस्टिंग में कहाँ गलती है या किस जगह पे एरर है। ऐसी सेम कंडीशन अमेज़ॉन पे भी होती है, हम करते चले जाते हैं बिज़नेस, पेमेंट आती है, अगर ये डिलीवर्ड हो जाता तो मुझे अमाउंट मिल जाता 400 समथिंग, मैं भी खुश हो जाता और आगे भी मतलब उनको दिखाने के लिए हो जाता कि हाँ मेरे ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहे हैं, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें पकड़ में तभी आती हैं जब डेली बेसिस पे या फिर मंथली या 15 दिन में हम ज़रूर अपडेट करें पेमेंट से हम बहुत कुछ कैच कर सकते हैं।